हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एरन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी राइटर हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले भी मैंने एडवर्ड बरार, ल्यूकस, जी वी शॉ, हार्पर ली, विलियम हैजलेट, बहुत से राइटर्स पर वीडियो अपलोड की है। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अज्ञेय वॉज बॉर्न ऑन 7 मार्च 1911 इन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जो अज्ञेय हैं, उनका जन्म 7 मार्च को हुआ था, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। हिज फादर नेम वॉज हीरानंद शास्त्री, ही वॉज द आर्कियोलॉजिस्ट। हिज मदर वॉज व्यंती देवी, शी वॉज नॉट मच एजुकेटेड। उनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जो व्यंती देवी उनकी माता थी, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। अज्ञेय स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड इन लखनऊ फ्रॉम 1911 to 1915। जो अज्ञेय हैं, उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड जो है, वो लखनऊ में ही बिताया था। ड्यू टू हिज फिकल लाइफ स्टाइल, अज्ञेय केम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। अपनी चंचल जीवन शैली के कारण जो अज्ञेय थे, ये विभिन्न भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों के संपर्क में आए थे। After passing his matriculation in 1925 from University of Punjab, Ajay moved to Madras and joined the Madras Christian College and did intermediate in science in 1927. जो अज्ञेय हैं, इन्होंने अपना matriculation मतलब 10th University of Punjab से किया था 1925 में। उसके बाद ये मद्रास चले गए थे, और वहाँ पर इन्होंने मद्रास क्रिश्चन कॉलेज में से इंटरमीडिएट किया, 12th किया अपना 1927 में साइंस से। दे आफ्टर ही एनरोल्ड फॉर एन एम ए इन इंग्लिश, बट ड्रॉप्ड आउट एंड ज्वाइन दी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जो अज्ञेय हैं, इन्होंने एम ए भी किया उसके बाद, बट एम ए इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन कर ली थी ड्रॉप करके। अज्ञेय वर्कड एज अ जर्नलिस्ट इन कलकत्ता एंड फ्रॉम 1939 ही वर्कड ऑन ऑल इंडिया रेडियो। जो अज्ञेय हैं, इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया था कलकत्ता में। उसके बाद इन्होंने 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी वर्क किया था। अज्ञेय मैरिड संतोष मलिक इन 1940 एंड डिवोर्स्ड हर इन 1945। जो अज्ञेय हैं, इन्होंने शादी की थी संतोष मलिक से, बट इन्होंने 5 साल बाद ही शादी के डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया था अपनी पत्नी से। उसके बाद इन्होंने अगेन कपिला वात्स्यायन से शादी की 1956 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वॉज एन इंडियन क्रिटिक, राइटर, पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड रिवोल्यूशनरी इन हिंदी। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे, इनका नाम बहुत लंबा है, अज्ञेय बोल लेते हैं हम लोग, ये एक इंडियन क्रिटिक थे, राइटर थे, पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, और लिटरेरी जर्नलिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे हिंदी लैंग्वेज के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अज्ञेय जॉइंड द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन इन 1942। ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया एंटी फैसिस्ट कन्वेंशन एंड द सेम ईयर ही जॉइंड द इंडियन आर्मी एंड वेंट टू कोहिमा फ्रंट एज अ कबारंट ऑफिसर। इन्होंने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन की, इन्होंने बहुत कुछ ज्वाइन किया, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया था ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया एंटी फैसिस्ट कन्वेंशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इनके लिटरेरी वर्क देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ड्यूरिंग हिज प्रिजन डेज ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिज नॉवल शिखर एक जीवनी। इन्होंने अपने जेल के दिनों में, जब ये जेल में थे, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, और अपना पहला नॉवल शिखर एक जीवनी इन्होंने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, आप याद रखिएगा, ये नॉवल है इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल है इनकी। ड्यूरिंग 4 ईयर प्रिजन, अज्ञेय स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरी एंड पब्लिश देम इन हंस पत्रिका एडिट बाय प्रेमचंद। जो अज्ञेय थे, अब 4 साल जेल में थे, उसी टाइम इन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था, नॉवल्स लिखना स्टार्ट किया था, और पब्लिश कराना स्टार्ट किया था इन्होंने हंस पत्रिका में, जो कि किसके द्वारा एडिट थी, प्रेमचंद द्वारा एडिटेड थी हंस पत्रिका, ये आप याद रखिएगा। और इन 1943 ही एडिटेड एंड पब्लिश्ड तार सप्तक, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय 7 यंग राइटर्स। इन्होंने 1943 में तार सप्तक जो कलेक्शन थी पोएम्स की, 7 यंग राइटर्स द्वारा इन्होंने एडिट की थी। Considered the first anthology of modern Hindi poetry and a milestone in a history of Hindi literature, Tar Saptak gave rise to Prayogvad in Hindi poetry. जो तार सप्तक थी, ये एक तरह से मील का पत्थर कही जाती है
यानी आधुनिक हिंदी कविता का पहला संकलन और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है इसको। इसने प्रयोगवाद को जन्म दिया था हिंदी कविता में, मतलब जो तार सप्तक है, तार सप्तक ने हिंदी कविता में प्रयोगवाद को जन्म दिया। आप ये याद रखिएगा, प्रयोगवाद कब स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ही डाइड ऑन 4 अप्रैल 1987 एट द एज ऑफ 76 इन न्यू दिल्ली। जो आज्ञ है उनका जो मृत्यु है वो 4 अप्रैल को हुआ था 1987 में, 76 एज के जब वो थे तब उनका निधन हो गया था न्यू दिल्ली में। नोटेबल अवार्ड्स देख लेते हैं इनके, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, गोल्डन ब्रेथ अवार्ड, ये तीन इनके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो दो ही हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करिएगा।